आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद मुशीराबाद के इलाके बड़ी मस्जिद के पास प्रॉपर्टी को लेकर 50 साल मोहम्मद एजाज उद्दीन पर हुआ कातिलाना हमला। एजाज उद्दीन ने कहा कि उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जाहिद ने अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एजाज उद्दीन बुरी तरह जख्मी हो गए। एजाज उद्दीन को उन्ही के रिश्तेदारों ने फौरन गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। एजाज उद्दीन ने सीएम केसीआर, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स से मदद की अपील की। सारी तफसलात सुनिए उन्हीं की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सन ऑफ लेट शेख मोहनुद्दीन, मैं 2007 में एक प्रॉपर्टी लिया था हबीबुल्लाह खान से, जो मस्जिद के बाजू में है, 605 स्क्वायर यार्ड, 53,75,000 रुपीज़ में लिया था। जब से मैं पोजीशन में विथ पोजीशन लिया था, मैं जब से बैठा हुआ हूँ, मैं ले रहा हूँ, मगर मेरे पीछे जो है ना गुंडा अनासिर लगे हुए हैं। 2018 से मेरे पीछे मुसलसल हरासमेंट कर रहे हैं, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस वाले मेरा कॉपरेट कर रहे हैं, वो लोग भाग जा रहे हैं और हमेशा मेरे को सता रहे हैं। और पीछे 24 तारीख से तो इतना सता रहे हैं कि खाना सांस ले लेने दे रहे, खुदकुशी कर लेना है, इतना टॉर्चर कर रहे हैं साहब मेरे को। मेरे को कोई आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है साहब। मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, महमूद अली साहब से, सबसे मेरी और अजीज खारिब से, जिससे भी हो सके मेरे को मेरी मदद कीजिए साहब। मेरे को मेरी जान को बचाइए साहब, और मेरे मेरी प्रॉपर्टी को सेव कीजिए साहब। मैं मेरी प्रॉपर्टी के बाहर बैठा हुआ था साहब, चार जनों आए साहब, उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी और अहमद और हम वो जायद मिल के आके 20-25 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ आके हमारे, मैं आंटी के साथ बातें कर लेते बैठा था साहब, 10-20 औरतें ले लेके, उन लोग जा रहे थे तो मेरे साथ रुक के बात कर रहे थे। इन लोग आके अचानक जो है ना मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करे, घुसने की, मैं प्रॉपर्टी में सेफ करा उनको कब्जा करने से, तो मेरे को जो है ना बड़ा ग्रेनेड उठा के सर पर डाल दिए और मेरे कमर पर डाल दिए साहब। मेरे को सेफ होना साहब, मेरे को इंसाफ होना साहब, मेरे को मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मेरी जान और मेरी, ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर लाइन ग्रैप करने कैसे कर रहे साहब, कब्जा करने के लिए कर रहे, जिसको मैं सेव करा तो मेरे ऊपर अटैक कर दिए साहब। मेरी जान को धोखा है साहब, मरते मेरी जान को धोखा है। मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब, मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब, मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब। ये उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी, अहमद और मोहम्मद जायद बोल के हैं, उन लोगों का पूरा गैंग है साहब। ये लोग पूरे कोर्ट में केस है साहब, 786/2021 है साहब, 3 मार्च को उसका, 19 मार्च को उसका डेट है साहब। बैठ के हुए मैं आया हूँ साहब, आके एकदम मेरे पे अटैक कर दिया साहब। कंप्लेंट नहीं करा पुलिस, कंप्लेंट कब करा साहब, जब भी कंप्लेंट करा पुलिस हमारे को बराबर साथ दी, वो लोग हट गए वहाँ से। लेकिन जब अब तो बिल्कुल जान पे आ गए साहब, मेरे को बस मेरी जान का और मेरी प्रॉपर्टी को जो है ना जाने का धोखा है साहब। मेरी और मेरी जान की सोफी और मेरी प्रॉपर्टी को सेव करो साहब। तेलंगाना हुकूमत के सीआर साहब से और पुलिस महमूद अली साहब और पुलिस से मेरी गुजारिश है, और सर्कल साहब को पूरा केस मालूम है साहब ये, और ये सर्कल साहब मेरी बहुत मदद करे, मशरफ तो ये साथ साहब ये था, मेरे को पूरा केस मालूम है और उन्होंने बहुत मेरी मदद करे, और मैं उनसे और तवक्को करता हूँ कि और मेरी बहुत मदद करेंगे।